नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिमाचली रसोई में आपका स्वागत है। मैं कमलेश कुमारी, आज हम बना रहे हैं मोदक। घर में अगर गणपति जी का त्यौहार है, घर में मोदक नहीं बने तो क्या बना? मैं आपको बहुत आसान तरीके से बनाना बताऊंगी और बहुत अच्छे बनेंगे। आइए देखते हैं कैसे बनेंगे। ये 2 कटोरी हमने मैदा की ली है, छोटी सी कटोरी है, 50-50 ग्राम आता है इसमें। 100 ग्राम हमने मैदा लिया, इसको छान लिया है। ये अभी छान के इसमें 1 चम्मच जो है घी का डालेंगे। 100 ग्राम मैदा है, इसमें 1 चम्मच बड़ा घी का ठीक रहेगा। हाथ धो के ही काम करना चाहिए। अभी हाथ से हम इसको मसल लेंगे। पूरा घी जो है पहले ही मिला लेंगे ठीक से सूखे आटे में। 1 गिलास मैंने पानी का लिया है, ये देखिए मैं ठीक से मिल चुका है घी, इसमें मुट्ठी भर के आ रही है। अभी इस इतना ही घी होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और आटे को बना लेंगे। मैदे को हम ठीक से बना लेंगे, ज़्यादा सख्त भी नहीं बनाएंगे और नरम भी नहीं बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बनाएंगे। देखिए दोस्तों, इन चीज़ों को हमने घर में बनाना चाहिए, या तो भगवान के नाम पे आप घर में बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए हमारा आटा बन चुका है। अभी इसको जो है ऐसे ही छोड़ देंगे 15-20 मिनट के लिए, तब तक आटा फूल जाएगा। इसमें रख देते हैं और ऊपर से ढक देते हैं, थाली से ढक दिया है। अभी और देखते हैं क्या चाहिए। ये पानी हमने देखिए लिया था 1 गिलास, थोड़ा सा पानी लगा इसमें। ये हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं, जैसे नारियल का बुरादा, और ये पीसे हुए ड्राई फ्रूट हैं, मैंने मोटे मोटे पीस लिए हैं, और पीसी हुई चीनी इसमें पीसी। ये मैंने कढ़ाई रख ली है और कढ़ाई में 1 चम्मच घी का डाला है। घी ही लगाना चाहिए इन चीज़ों में, तभी अच्छी लगती है। ये देखिए घी गल जाएगा, हल्की आंच पे बनाएंगे। घी गल चुका है, अब इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट हल्के से दर्रे से पीसे हैं, जैसे मैंने बादाम, काजू और पिस्ता पीसा हुआ है, आप इसमें ज़रूरी नहीं है सभी डालेंगे, अगर कोई इसमें है भी नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। तो ये थोड़ा हल्का हल्का ब्राउन हो जाएगा, तो इसमें हम डाल रहे हैं नारियल का बुरादा, जो बड़े आराम से बाज़ार में मिल जाता है। आप कद्दूकस करके सूखा नारियल भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सख्त रहता है। इसमें अगर आप चाहें तो हरा नारियल डाल सकते, ताज़ा नारियल डाल सकते हैं जो नरम होता है, नहीं तो ये जो है ये बड़े आराम से मिल जाता है। ये 4 चम्मच छोटे मैंने चीनी के पीस के लिए थे, जो ये इनको डाल दिया है। अब ये थोड़ी देर इनको आपस में जब एक दूसरे में फ्लेवर चला जाएगा, तो अभी ये मैंने यहाँ पे डाला है इलायची थोड़ी सी पीसी हुई, और अब ये हो चुका है। गैस बंद कर देते हैं, और ये मैंने आटा भी हो चुका है और कटोरी में मैंने निकाल लिया है जो ड्राई फ्रूट तैयार किए हैं। अभी इनकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेते हैं, कितनी लोइयाँ बनेंगी इस तरीके से बनाएंगे तो छोटी बड़ी नहीं बनेंगी, एक बराबर बनेंगी। ये देखिए इस तरीके से हमने एक बराबर रोल कर लिया है। अब इनको काट लेते हैं कितने इसके बनेंगे एक बराबर। इस तरीके से काटते हैं तो एक बराबर लोइयां बन जाती है। ये देखिए गोल गोल लोइयां हम बना के रख लेते हैं सभी की। जब त्यौहार आता है तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे बना के। अब ये जो बचे हैं इनको भी बना लेते हैं। ये सब हमने तैयार कर ली है।
अब ये जो ड्राई फ्रूट हैं बना के रखे हैं इनको भी इधर रख लेते हैं। ये तेल मैंने लिया है, ये बेलन में लगा देंगे ताकि इसमें चिपके नहीं बनाती बार। और हाथ में भी लगा लीजिए और ये इन लोइयों में भी थोड़ा थोड़ा तेल लगाएं और बेलें इस तरीके से, ज़्यादा गोल की ज़रूरत नहीं है लेकिन बिलना एक बराबर ही चाहिए, मोटा पतला नहीं रहना चाहिए। सरसों का तेल मत लीजिए, यहाँ पे मैंने रिफाइंड तेल लिया है। एक चम्मच ड्राई फ्रूट की जो मैं हमने मिश्रण बनाया है इसको डाल दिया है। अभी इसको जो है ये पानी लिया है और चारों तरफ पानी लगा लेंगे ताकि ये ठीक से चिपक जाए मैदा हमारा। इस तरीके से हम इनको सेप देंगे, एक बराबर पकड़ेंगे, सारा छूटना नहीं चाहिए। अगर थोड़ा बहुत छूट जाता है तो हमारा जो अंदर मिश्रण जो डाला है हमने ड्राई फ्रूटों का वो निकल सकता है, और अगर निकल जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। इस तरीके से घुमाइए, चिपकाइए और चारों तरफ घुमाइए और अच्छी सेप बन गई है। इसी तरीके से औरों को भी बनाएंगे। बहुत आसान है दोस्तों ये से बनाना, कोई कठिन नहीं है। आप घर में बनाइए, अभी इस टाइम जो है कोरोना का टाइम है तो घर से निकलना अच्छा नहीं होता, और घर की चीज़ें बना के भगवान को भी चढ़ाइए और खुद भी खाइए। इसको इस तरीके से इकट्ठा करके बहुत अच्छा लगता है ऐसे बनाना। ये देखिए अभी ऐसे घुमा के अच्छा डिज़ाइन बन जाता है। इसी तरीके से सबको हम बेल के बना लेंगे। यहाँ पे ग्रीस कर लेते हैं घी की ताकि नीचे चिपके ना। इसी तरीके से मैंने सबको बना लिया है। ये देखिए हमारे करीब 16 पीस बने हैं और सब में पूरा पूरा ही हुआ है। सौ ग्राम मैदा था तो 100 ग्राम ये जो बना है मिश्रण इन ड्राई फ्रूटों का, तो ये सब मिला के एक बराबर ही बना है, तो पूरा पूरा ही आया है इसमें। इस तरीके से हमने सबको बना लिया है। ऐसे ठीक से चिपकने चाहिए ध्यान से। अब ये सब बनके तैयार हो चुके हैं, पूरा पूरा ही हुआ है ये सब, ऐसा ही होना चाहिए। आइए अब हमने तैयार कर लिया है, अब कढ़ाई रख लेते हैं। ये एक मैंने कढ़ाई रखी है, इस तरीके से हम फ्राई कर लेंगे और घी जो है निकाल लेंगे। मैंने 2 बड़े चम्मच घी के डाले हैं और इसमें हमने फ्राई किया है, आधा कर लिया है, आधा जो बचा है इसको भी फ्राई कर लेते हैं। एक एक करके सब डाल देंगे। इस तरीके से दोस्तों हम फ्राई कर लेंगे और इनको जो है घर में बना के आप फ्रिज में 7-8 दिन तक आप खा सकते हैं, भगवान को भोग लगा सकते हैं। अब तो गणपति महाराज घर में आए हैं तो उनके लिए आप बनाइए और भोग लगाइए, बाहर से भी नहीं लाना पड़ेगा। ये जो चीज़ें हैं ये घर में होती है सभी, ऐसा आप बड़े आराम से घर में बना सकते हैं। ऐसे पलटते रहेंगे और ऊपर गरम घी डालते रहेंगे ताकि ये आधा कच्चा पक्का ना रहे, एक बराबर पके। ज़्यादा घी डालेंगे तो ये पलटने में थोड़ी
ठीक से पकता नहीं है तो इसलिए मैंने थोड़ा कम घी डाला है। और कम ही आंच रखनी चाहिए, मीडियम आंच में हमें पकाएंगे और कच्चा नहीं रहना चाहिए ताकि अंदर से भी ठीक से पक जाए। अगर ज़्यादा आंच में आप बनाएंगे तो बाहर से तो पक जाएगा लेकिन जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये देखिए अब हो चुके हैं, अब इनको निकाल लेते हैं। ये हो गए हमारे मोदक तैयार, बहुत अच्छे बने हैं हमारे मोदक दोस्तों। इस तरीके से बनाइए खाइए, और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अभी मैं आपको तोड़ के भी बताती हूँ। ये देखिए कितने कुरकुरे और एकदम मुँह में घुलने वाले बने हैं। ये देखिए आपको आवाज़ भी आ रही होगी, बहुत अच्छे बने हैं। इसका एक ही ध्यान रखना होता है, ये देखिए फिर से मैं तोड़ के बताती हूँ। इन जब हम आटा बनाते हैं तो उसमें घी डालिए और ठीक से गूंथिए, फूलने दीजिए आटा को। और जब आप इनका सेप देते हैं तो ठीक से सेप देनी चाहिए, साइड से निकलना नहीं चाहिए कहीं से। और फ्राई करते बार हल्की आंच पे पकाइए और बहुत अच्छे बनेंगे आपके मोदक भी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके भी ज़रूर बताइए, और इस तरीके से बनाइए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।